अभी हम देखेंगे हुंडा हॉर्नेट 160R का मीटर कंसोल। देखिए न्यूट्रल रहा, ये लाइट है, ये लेफ्ट इंडिकेटर, ये राइट इंडिकेटर, और ये सेट का एक बटन, सेट का दूसरा बटन, और ये RPM बार, ये फ्यूल इंडिकेटर, ये नॉर्मल स्पीडोमीटर, और ये ट्रिप माइलोमीटर है, और नीचे है टाइम। इसमें दो ट्रिप होते हैं, ए और बी। तो देखिए लेफ्ट को हम दबाएंगे तो ट्रिप ए आ गया, और लेफ्ट को दूसरी बार दबाएंगे तो ट्रिप बी आ जाएगा। और इस ट्रिप को ज़ीरो करने के लिए हमको लेफ्ट वाले बटन को, नहीं इससे नहीं होगा, ट्रिप को अगर आपको ज़ीरो करना है तो राइट वाले बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। चलिए हम इसको राइट वाले बटन को अब प्रेस करते हैं। देखिए राइट को प्रेस किए तो ज़ीरो हो गया। अब ये हमारा ट्रिप ए ज़ीरो है। अब हम ट्रिप बी को भी ज़ीरो करके दिखाते हैं। तो एक बार लेफ्ट को प्रेस करेंगे तो ट्रिप बी आ गया, और राइट वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर तो ट्रिप बी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना ट्रिप सेट कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि टाइम को कैसे सेट किया जाए। तो इसके लिए आपको दोनों सेट बटन को एक साथ दबा के रखना है, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ तो बन नहीं रहा है। मोबाइल रख के मैं ये दोनों बटन एक साथ दबाऊँगा, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखिए टाइम में घंटे वाला जो इंडिकेशन है वो आ गया है। अब हम लेफ्ट वाले राइट वाले बटन को दबाएंगे तो वो बढ़ते जाएगा। देखिए 12 हो गया, अभी समय एग्जैक्ट 12 बजे है। तो हम अब मिनट को भी सेट करेंगे, तो मिनट में जाने के लिए आपको लेफ्ट को एक बार फिर दबाना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट वाले को प्रेस किए तो ये चले गया मिनट्स वाले कॉलम में। अभी हम यहाँ से राइट से दबा के उसको सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। धन्यवाद।